दोस्तों, विशालकाय उद्बिलाव मांसाहारी स्तनधारियों के परिवार से संबंधित है। विशाल उद्बिलाव बरसात के मौसम में धीमी गति से बहने वाली नदियों, झीलों, दलदलों और बाढ़ वाले जंगलों को पसंद करते हैं। शिकार के कारण पिछले कुछ सालों में विशाल उद्बिलाव की संख्या में भारी गिरावट आई है। विशालकाय उद्बिलाव में घने मखमली और मोटे भूरे रंग के फर होते हैं, जो कि उनकी त्वचा को पानी से बचाता है। विशालकाय उद्बिलाव की लंबाई करीब 3.5 से 4.5 फीट के आसपास होती है और इसका वजन करीब 50 से 70 पाउंड के बीच होता है। अगर इसके पूंछ की लंबाई के बारे में बात करें तो इसके पूंछ की लंबाई करीब 18 से 26 इंच के बीच होता है। कुछ नमूने 6 फीट लंबे हो सकते हैं। विशालकाय उद्बिलाव उत्कृष्ट तैराक और गोताखोर होते हैं, जो अपने छोटे जाल वाले पैरों और चपटी पूंछ के कारण होते हैं। ये 9 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं और 330 फीट की दूरी 30 सेकंड में पार कर लेते हैं। विशालकाय उद्बिलाव के छोटे कान और नथुने होते हैं, जो हर बार पानी के नीचे गोता लगाने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। विशालकाय उद्बिलाव अधिकतर समय पानी में बिताते हैं, क्योंकि वे अधिकतर मछली खाते हैं और क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जानवर प्रतिदिन 6 से 9 पाउंड भोजन खाते हैं। विशाल उद्बिलाव अपने खाने में एनाकोंडा और अन्य समुद्री जीव खा सकते हैं। विशालकाय उद्बिलाव में देखने की क्षमता विकसित होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिकार के लिए किया करते हैं। आंखों के अलावा वे पानी के दबाव और करंट में बदलाव की पहचान करके पानी में शिकार का पता लगाने के लिए अपनी मूंछों का इस्तेमाल करते हैं। इंसानों के अलावा विशाल उद्बिलाव के मुख्य शिकारी जगुआर, बड़े एनाकोंडा और अन्य समुद्री जीव होते हैं। विशालकाय उद्बिलाव बहुत तेज आवाज वाले जानवर होते हैं। वे संभावित खतरे के बारे में अन्य उद्बिलाव को सूचित करने या आक्रामक चेतावनी भेजने के लिए लगभग 9 अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। विशालकाय उद्बिलाव पूरे साल भर संभोग करते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे शुष्क मौसम के दौरान पैदा होते हैं। गर्भावस्था 64 से 72 दिनों तक चलती है और मादा 1 से 6 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के 2 या 3 सप्ताह बाद माँ बच्चों को उस पानी में डालती है, जहाँ वे तैरना सीखते हैं। 1 या 2 महीने में वे तैराक बन जाते हैं और अपने परिवार के लिए बाकी सदस्यों के साथ मिलकर शिकार करते हैं। वे आमतौर पर परिवार समूह के भीतर तब तक रहते हैं, जब तक कि वे 2.5 साल के ना हो जाए। अगर इनके जीवन काल के बारे में बात करें तो ये करीब 12 से 25 साल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको विशालकाय उद्बिलाव के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।